अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आप भी ये सूजी के फूले फूले सॉफ्ट अप्पम बना सकते हैं, तो आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक, मैं इसमें कुछ टिप्स शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद ममता बरनवाल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूजी के अप्पम, जो कि एक बहुत ही हल्का और टेस्टी नाश्ता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, इवनिंग के स्नैक्स में बना सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करें। सूजी के अप्पम बनाने के लिए हम एक बड़ा बाउल में एक कप सूजी डालेंगे, एक कप कर्ड डालेंगे और इन दोनों को मिक्स करेंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें हाफ एन आवर के लिए इसे छोड़ना है और तब तक हम चटनी के प्रोसेस में जाएंगे। इस बैटर को हम हाफ एन आवर के लिए कवर करके रख देंगे। चटनी बनाने के लिए हम एक ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम 1 कप ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, 3-4 ग्रीन चिल्ली डालेंगे, फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून एंड सॉल्ट टू टेस्ट। फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके और इसको हम ग्राइंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चटनी ग्राइंड हो चुका है, इसको मैंने थोड़ा दरदरा ही पीसा है। अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून मैं राई डालूंगी, फिर मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, इसके बाद 2 रेड चिली है, इसको डाल रही हूँ तोड़ के। हमारा तड़का तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसको अपनी चटनी के ऊपर डालेंगे। अगर आपके पास करी लीफ अवेलेबल है तो आप तड़के में ज़रूर डालें। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चटनी रेडी हो चुका है और अब हम हमारे बैटर की तरफ चलते हैं। हम हाफ एन आवर पूरा हो चुका है हमारे बैटर का। ये फर्मेंट होने के बाद थिक हो जाता है। इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, इसके बाद हम इसमें सब्जियों को थोड़ा फ्राई करके मिलाएंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम करके हाफ फ्राई डाला है और हींग डाला है। ये मैंने चॉप्ड कैरेट, ओनियन, ग्रीन पीज, कैप्सिकम, चॉप्ड ग्रीन चिल्ली लिया है और अब इसमें मैं राई हींग डालने के बाद ओनियन और चिल्ली डालूँगी। इसको 1 मिनट तक फ्राई करूँगी, फिर कैरेट कैप्सिकम डालकर और 1 मिनट तक फ्राई करूंगी। इन सब्जियों को मैं कच्चा भी डाल सकती थी, पर फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट जो है और बढ़ जाता है। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको फ्राई होने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम सब्जियों को अपने बैटर में डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा की जगह पर हम इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अप्पम मेकर को मैंने गैस ऑन करके बैठा दिया है। अब हम इसके सारे मोल्ड में 2-3 ड्रॉप्स ऑयल डालेंगे और फिर 1-1 स्पून करके सारे मोल्ड में बैटर डालेंगे और इसको ढककर 3-4 मिनट तक पकाएंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब हमारा 3 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम अपने सारे अप्पम को पलटेंगे और उसके ऊपर ऑयल डालेंगे। ऑयल हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे फ्रेंड्स और इसको फिर अगेन 3 मिनट के लिए हमें पकाना है ढककर। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। हमारे अप्पम पूरी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार और टेस्टी सूजी के अप्पम तैयार हैं। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और फूले फूले बने हैं।
इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि आपका बैटर बहुत गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए। अगर ये पतला होता है तो इसमें आप थोड़ा सा चावल का आटा डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को थिक कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप अप्पम सेकते हैं तो उस समय गैस का फ्लेम लो या लो टू मीडियम होना चाहिए, नहीं तो अप्पम जल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, थोड़ा टाइम है तो कमेंट कीजिए, और एक हम्बल रिक्वेस्ट, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।